में फैक्ट्री लगेगा, गुजरात में बुलेट ट्रेन चलेगा, गुजरात में सी प्लेन चलेगा, अब बिहार का आदमी बैलगाड़ी पर चलेगा। अगर मोदी जी सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा सकते हैं तो दुगो चार गो वैशाली या चंपारण में लगवा देते। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ प्रीति झा। उड़ीसा रेल हादसे की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस हादसे में बिहार के मजदूर भी शिकार हो गए। ये सभी मजदूर मोतिहारी के थे और केरल जा रहे थे रोजी रोटी के लिए। देखिए, जिस तरीके से मजदूरों का यहाँ से पलायन हुआ है, उसको लेकर प्रशांत किशोर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधे। दरअसल प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर 40 में से 39 MP आपने भेजा है, लेकिन वही गुजरात की बात करें तो वहाँ पर तो 26 ही MP है, और वहाँ पर क्यों इस तरीके से फैक्ट्री लगाया जा रहा है, बुलेट ट्रेन चलाया जा रहा है, और क्या बिहार के लोग बैलगाड़ी पर चलेंगे, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। 40 में 39 MP जिताकर आपने भेजा है, 26 MP का राज्य है गुजरात, गुजरात में फैक्ट्री लगेगा, गुजरात में बुलेट ट्रेन चलेगा, गुजरात में सी प्लेन चलेगा, अब बिहार का आदमी बैलगाड़ी पर चलेगा। हम लोग मुफ्त में वोट देते रहेंगे तो गलती मोदी जी का है कि हम लोग का है? एक शहर है गुजरात में सूरत, एक अकेले शहर सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार के लड़के मजदूर हैं। आप बताइए, जरा सोचिए कि सूरत में कितना फैक्ट्री होगा। अगर मोदी जी सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा सकते हैं तो दुगो चार गो वैशाली या चंपारण में लगवा देते। देश में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको आज प्रधानमंत्री बुला के कह दें कि नहीं तुमको वैशाली में फैक्ट्री लगाना है, तो किसको दम है कि कह देगा कि नहीं लगाएंगे। तो काहे नहीं मोदी जी फैक्ट्री यहां लगवा रहे हैं? अरे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर फैक्ट्री यहां लग जाएगा तो 15,000 रुपया में 2 करोड़ जवान मजदूर मिलेंगे कहां से? पूरे देश में हम लोग मोटरसाइकिल, कार, फ्रिज, सीमेंट, छड़ नहीं बना रहे, हम लोग खाली बना रहे हैं मजदूर। जवान लड़कों को आप पाट पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा किए, 20-25 साल का लड़का हुआ ट्रेन में, बस में भेड़ बकरी की तरह बैठ के बिहार का लड़का जा रहा है सब। आपने देखा कोरोना के दौरान जिन मजदूरों को, जिन बच्चों को मार के भगा दिया लोगों ने, उन्हीं मजदूरों को वापस बुलाने के लिए लोग ट्रेन से, बस से, प्लेन का पैसा देके बुलाया। क्यों बुलाया? तमिलनाडु में मजदूर नहीं है, केरल और गुजरात में मजदूर नहीं है, वहां पर भी मजदूर है, लेकिन तमिलनाडु में जो मजदूर है वो लेगा महीने में 35,000-40,000 रुपया, और बिहार का गरीब बच्चा जाकर काम कर रहा है 15,000 रुपया पर। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर किस तरीके से नरेंद्र मोदी से और मोदी सरकार से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगवाई, क्यों आप गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं, क्यों आप सूरत में फैक्ट्री लगवा रहे हैं, अगर आप भी बिहार में फैक्ट्री लगवाते तो इस तरीके से भेड़ बकरी की तरह जो बिहार के मजदूर दूसरे जगह जा रहे हैं उन्हें ऐसे जाना नहीं पड़ता, तो इसका दोष कहीं ना कहीं इसको लेकर वो बिहार की जनता को भी वजह बता रहे हैं कि वो मुफ्त में ऐसे वोट डालते नजर आते हैं और सरकार की तरफ से कोई भी काम बिहारियों के लिए नहीं किया जाता है। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।